खबर, अनियंत्रित होकर ऑटो के पलटने का मामला जिसमें एक महिला की मौत हो गई और ऑटो में कुल 6 यात्री सवार थे। दरअसल इस हादसे की जो जानकारी आई उसके अनुसार एक महिला की इस हादसे में मौत हो गई थी और इस हादसे के बाद घायलों को पहले हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई और कई अन्य लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। कुल 6 यात्री इसमें सवार थे। अनियंत्रित होकर ऑटो के पलटने का ये मामला सामने आया। सूरजपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां एक ऑटो के अनियंत्रित होकर पलट जाने का मामला सामने आया। दरअसल सूरजपुर में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई हादसे में, जबकि अन्य को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, इलाज के लिए उसे ले जाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। और मुंगेली से इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, फांसी पर लटकी एक नवविवाहिता की लाश मिली है। घर के बेडरूम में फांसी के फंदे पर लटकी हुई एक नवविवाहिता की लाश मिली। मृतका के परिजनों ने पति पर आरोप लगाया। दरअसल पति की प्रताड़ना की वजह से उसने खुदकुशी की, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। लोरमी थाना क्षेत्र के डोंगरिया गांव का ये पूरा मामला, लोरमी पुलिस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। अभी प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि पति पर आरोप है कि उसने महिला को प्रताड़ित किया, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली और लोरमी थाना क्षेत्र पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मुंगेली से बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां एक नवविवाहिता की फांसी के फंदे से लटकती लाश मिली। और बड़वानी से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई, जहां गर्भवती को झोली में डालकर ले जाना पड़ा। एक बार फिर शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई। ये देखिए किस तरह से गर्भवती महिला को एक बांस के डंडे पर झोलीनुमा स्ट्रेचर बनाकर ले जाया गया। गर्भवती महिला को झोली में डालकर अस्पताल पहुंचाने के लिए मजबूर परिजन, बेहद खराब रास्ता होने की वजह से कोई वाहन वहां पर नहीं पहुंचा और जान जोखिम में डालकर उसे अस्पताल ले जाया गया। डिलीवरी के लिए लंबे समय से ग्रामीण सड़क और पुल की यहां पर मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन इस पर नहीं लिया गया। और ऐसे में अगर कोई हादसा हो जाता तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता? तस्वीरें डरा देने वाली, शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हैं, जहां एक बांस के डंडे पर कपड़ा बांधकर एक महिला को, गर्भवती महिला को ऐसी हालत में ले जाया गया। और देखिए कैसे उफनते नाले को पार करना पड़ रहा है पैदल ही। अगर यहां पर जरा सी भी चूक होती तो महिला की जान भी जा सकती थी और जो साथ में लोग हैं तेज बहाव में वे भी बह सकते थे। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इससे पहले कई बार ग्रामीण पुल की, सड़क की मांग कर चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों पर कोई भी असर, कोई भी काम नहीं किया गया। गर्भवती महिला को झोली में डालकर अस्पताल पहुंचाने के लिए मजबूर उसके परिजन और ग्रामीण कई बार सड़क और पुल की ये मांग कर चुके हैं, लेकिन न पुल मिला न सड़क मिली और ऐसे ही बीमारों को ले जाने के लिए मजबूर हैं। सड़क न होने की वजह से वहां पर एम्बुलेंस या कोई अन्य वाहन भी नहीं पहुंच पाता है। बड़वानी से ये पूरी तस्वीर सामने आई, शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीर। सामने आने के बाद एक बार फिर से प्रशासन पर सवाल उठता है, प्रशासन से जवाब बनता है, लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक जवाब इस तस्वीर पर सामने नहीं आया है। जान जोखिम में डालकर अस्पताल ले जाने को मजबूर ग्रामीण। और अगली खबर मुरैना से, जहां पारिवारिक विवाद में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है शख्स ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकाला गया। दरअसल मृतक मोनू जाटव का अपने ही परिवार में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। मोनू की बहन ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने किसी की एक न सुनी और कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और दरअसल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उस वक्त की, जब प्रशासन वहां मौके पर पहुंचा था और पुलिस वहां कुएं से शव को निकालने के प्रयास में जुटी थी। पारिवारिक विवाद में खुदकुशी किए जाने का ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाला। और ओरछा से इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सड़क पर बवाल मच गया। दरअसल पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा सड़क पर ही देखने को मिला। पति की पिटाई करती पत्नी की तस्वीरें सामने आई। देखिए किस तरह से सड़क पर ही हिसाब किताब निपटाया जा रहा है पति पत्नी के बीच। मारपीट का ये वीडियो वायरल भी हो रहा है।
और जाने किस बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ और फिर सड़क पर ही महिला ने अपने पति की पिटाई कर डाली। ओरछा से ये तस्वीर सामने आई। काफी देर तक ये ड्रामा सड़क पर चलता रहा। पति पत्नी का विवाद पहले कहा सुनी होती रही और उसके बाद पत्नी ने पति पर हाथ उठाया और सड़क पर ही उसकी जमकर पिटाई कर दी। मारपीट का ये वीडियो ओरछा से सामने आया। दरअसल ओरछा में बीच सड़क पर ही बवाल की तस्वीरें देखने को मिली। आसपास खड़े लोग तमाशा देखते रहे। आखिर करते भी तो क्या, पति पत्नी के बीच का मामला है। पत्नी ने आओ देखाना ताओ बीच सड़क पर ही पति को जमकर थप्पड़ लगाए और विवाद काफी देर तक सड़क पर ही चलता रहा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय ग्लोबल केमिकल एंड मिनरल, आपके घर की जान। ग्लोबल एक्सटीरियर एंड इंटीरियर टेक्सचर पेंट। कल भोपाल में पीएम मोदी का मेगा रोड शो। कार्यकर्ता महाकुंभ में देंगे जीत का मंत्र। जुटेंगे 10 लाख कार्यकर्ता। छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 30 सितंबर को बिलासपुर में परिवर्तन यात्रा के समापन में होंगे शामिल। 3 अक्टूबर को जगदलपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के समापन को लेकर ओम माथुर का दावा। बिलासपुर में होगी छत्तीसगढ़ के इतिहास की सबसे विशाल रैली। सभा के साथ शुरू होगी कांग्रेस सरकार की उल्टी गिनती किया दावा। प्रदेश में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। 5 जिलाध्यक्ष समेत 10 पदाधिकारियों ने ज्वाइन की बीजेपी। खंडवा में बागेश्वर महाराज ने हिंदू राष्ट्र की भरी हुंकार। कहा ये बाबर का नहीं रघुबर का देश। चमत्कार पर्चा से नहीं हनुमान की चर्चा से होता है। रीवा में खतरों के खिलाड़ी बने मंत्री राजेंद्र शुक्ला। बिहार नदी के ऊपर स्काई साइकिलिंग का उठाया लुत्फ। न कोई डर न कोई फिकर। बड़ौदा बाजार में 12 मवेशियों को महानदी में फेंकने का सामने आया वीडियो। 10 मृत और 2 घायल मवेशियों को नदी में बहाया। जनपद सीईओ ने जांच के लिए टीम गठित की। ग्लोबल केमिकल एंड मिनरल, आपके घर की जान। ग्लोबल एक्सटीरियर एंड इंटीरियर टेक्सचर पेंट। नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बिग ब्रेकिंग में भिंड से आ रही बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दरअसल पुलिस टीम पर हमले का आरोपी, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस पार्टी गई और उस पर हमला किया गया। दरअसल लूट हत्या के मामले में फरार आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस वहां गई थी। जन्मदिन की पार्टी के दौरान आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची थी और पुलिस के साथ वहां मारपीट की गई। मारपीट का वीडियो भी सामने आया। दरअसल ये सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया गया वीडियो, जो कि अब वायरल हो रहा है। रौन थाना क्षेत्र के ग्राम ररुआ का ये मामला। आरोपी मौके से फरार हो गया बताया जा रहा है। फरार आरोपी सौरभ चौहान, जिस पर कि 11 मामले दर्ज हैं, हिस्ट्री शीटर है। रवि रमन हमारे सहयोगी इस वक्त भिंड से ऑनलाइन पर मौजूद है। रवि, क्या कुछ हुआ वहां पर, क्या जानकारी मिल पा रही है? आशीष, मैं आपको बताऊं कि ये भिंड पुलिस के लिए काफी प्रश्न खड़े करने वाली तस्वीर सामने निकल कर आई है कि कॉम्बिंग गश्त के दौरान ये पुलिस पार्टी गई थी। रौन थाना पुलिस की पूरी पार्टी गई थी। उसमें क्या होता है, कॉम्बिंग गश्त में कुछ जो पुलिस वाले होते हैं वो बिना वर्दी के सिविल में जाते हैं और कुछ तो वर्दीधारी होते हैं, लेकिन जिस सिविल में जाते हैं, जैसे ही अंदर पहुंचते हैं तो वहां पर जो आरोपी था उसको जैसे ही पुलिस पकड़ती है, वैसे ही वहां पर जो भी मौजूद थे, घर जन्मदिन की पार्टी चल रही थी उस समय, वहां महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, तो उनके द्वारा इस बात का विरोध किया गया और वहां के लोगों ने ये आप भी आरोप लगाया है कि पुलिस नशे में थी, पुलिस के आरक्षक जो थे वो नशे में थे। क्योंकि पुलिस का कहना है कि वहां हम पहुंचे थे मौके पर तो भारी भीड़ थी, ज्यादा दबाव बना दिया गया था वहां के लोगों के द्वारा, तो इस वजह से मैं सहम गया था और डर गया था। वहां महिलाओं ने और लोगों ने वहां पुलिस को पकड़कर उनके कपड़े भी नोच डाले हैं, कपड़े फाड़ डाले हैं, अवैधता भी की है, मारपीट भी की है। और इसके बाद पुलिस ने जो भिंड एसपी मनीष खत्री है उनके द्वारा 10,000 रुपए का तत्काल इनाम भी घोषित कर दिया गया है। क्योंकि जो आरोपी था सौरभ चौहान वो मौके से फरार भी हो गया था, लोगों के द्वारा उसे
छुड़वा दिया गया था तो वो फरार है, लेकिन लगातार पुलिस की टीमें जो हैं वो दबिश दे रही हैं और जगह जगह, और जहां तक की है आरोपी सौरभ पर क्या क्या मामले हैं रवि? इस पे 11 मामले दर्ज हैं, कुल 11 मामले दर्ज हैं, लेकिन इसमें लूट है, हत्या है, आर्म्स एक्ट है वगैरह, इस तरह के करीब 11 केस दर्ज बताए जा रहे हैं। बाहर कैसे आया था ये करीब 5-6 साल से फरार चल रहा है। उमरी थाने में इस पे केस है और इसके रोन थाने में भी केस है। कौमी गश्त के दौरान जब इसे इसकी सुराग लगा, मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई पुलिस को, तो इसके पार्टी के दौरान इस पर दबिश दी गई, लेकिन फिर भी पुलिस के हाथ सफलता हाथ नहीं लगी और आरोपी भी मौके से फरार हो चुका था। बर्थडे किसका था रवि? क्या और आरोपी का ही बर्थडे था, क्योंकि महिलाएं हैं, घर में लाइटिंग हो रखी है और काफी वहां पर साज सज्जा है। नहीं, आरोपी के घर पे बर्थडे नहीं था, आरोपी अपने रिश्तेदार के यहाँ गया था, रोन थाना क्षेत्र के ग्राम रडुआ में जो रिश्तेदारी के यहाँ गया था, तो इसीलिए पुलिस को भी सूचना मिली तो पुलिस ने कहीं लगे हाथ उस पे हम उसको गिरफ्तार भी कर लेंगे। पुलिस ने तो तत्परता दिखाई रवि, लेकिन वहां पर देखिए किस तरह से वहां पर मौजूद महिलाओं ने पुलिस के ऊपर हमला ही कर दिया, एक तरह से महिलाओं ने घेर लिया पुलिस कर्मचारियों को। हालांकि आरोप ये भी है रवि, जैसा बता रहे हैं कि महिलाओं ने आरोप लगाया है कि ये जो आरक्षी था वो नशे में था, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, जबकि उस आरक्षी की तरफ से सफाई दी जा रही है कि वो इतनी महिलाओं से खुद को घिरा पाकर घबरा गया था। भिंड से तस्वीर सामने आई, बहुत शुक्रिया आपका रवि रमन इस पूरे मामले पर जानकारी देने। और भोपाल से बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी को यहां बड़ा झटका लगा है, वो भी ठीक चुनाव से पहले। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी को यह बड़ा झटका किस तरह लगा वो आपको बताते हैं। पार्टी के 10 वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बीजेपी की सदस्यता इन्हें दिलाई। 10 वरिष्ठ पदाधिकारी आम आदमी पार्टी छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। दरअसल आपके 5 जिला अध्यक्ष भी इसमें शामिल हैं। तो चुनाव से ठीक पहले इस तरह का झटका आम आदमी पार्टी के लिए काफी तगड़ा झटका साबित हो सकता है। भोपाल से ये तस्वीर सामने आई, देखिए प्रहलाद सिंह पटेल तस्वीर में नजर आ रहे हैं और इन 10 पदाधिकारियों में 5 जिले के अध्यक्ष भी हैं और साथ ही वीडी शर्मा भी तस्वीर में नजर आ रहे हैं। प्रहलाद सिंह पटेल जिन्होंने 10 बड़े पदाधिकारियों को आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई, सदस्यता दिलाई, और बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव से ठीक पहले। और राजनीतिक जगत में लगातार उठापटक चल ही रही है। और वासु चौरे के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वासु, अभी की जो परिस्थितियां हैं, आम आदमी पार्टी अभी जमीन तलाश ही रही है और 10 बड़े पदाधिकारियों का जाना उस जमीन को हिला देने जैसा ही है। निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश में अब विधानसभा के चुनाव काफी नजदीक हैं। बीजेपी कांग्रेस तो अपना पूरा दमखम लगाई रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी ये दावा किया कि हम मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। सभी सीटों पर हमारे जो संगठन के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको तैनात कर दिया गया है और जमीन मजबूत करने की तैयारी की जा रही है। और अब तक का जो दल बदर का जो दौर देखने को मिल रहा था वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिख रहा था, लेकिन ये तस्वीर भी अब सामने आई है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो अपनी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहा है। जबकि अगर प्रदेश में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी बीजेपी का के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है और बीजेपी के खिलाफ लगातार प्रचार प्रसार करने का काम कर रही है और बीजेपी की जो नीतियां रही हैं सरकार की उनके खिलाफ भी मोर्चा खोलती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच बीजेपी के कार्यकर्ताओं का और आम आदमी पार्टी का के कार्यकर्ताओं का और पदाधिकारियों का बीजेपी का दामन थाम लेना कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक बड़ा झटका जरूर साबित हो जाता है, और वो भी ऐसे समय पर जब आम आदमी पार्टी अपने संगठन का विस्तार कर रही हो। ठीक कहा आपने, मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं जमीन तलाशने की कोशिश आम आदमी पार्टी की ओर से जारी है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि दिल्ली और पंजाब की तरह मध्य प्रदेश में भी सफलता को दोहराया जाए, लेकिन वो कैसे संभव हो सकेगा ये फिलहाल जरूर देखने वाली बात होगी। जी स्वाभाविक है वासु, और चूंकि इस वक्त की जो स्थिति है आम आदमी पार्टी की, उसके लिए ऐसे पदाधिकारियों का जाना एक बड़ा झटका है। बहुत शुक्रिया वासु आपका, नजर बनाए रखिए, आप अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर क्रिकेट खेल के मैदान से, इंदौर से एक बड़ी खबर आ रही है। दूसरे वनडे में टीम ऑस्ट्रेलिया को भारत ने बड़े अंतर से हराया। इंदौर वनडे मैच भारत ने जीत लिया है। दरअसल यहां भारत ने पहले शानदार बैटिंग की, भारत के ओपनर्स ने शतक बनाए और उसके बाद गेंदबाजों ने अपनी धार दिखाई और 2-0 से सीरीज पर कब्जा करते हुए भारत ने शानदार जीत दर्ज की है। टीम इंडिया की यह शानदार जीत, भारत
विश्व कप से पहले इस वनडे सीरीज को जीत करके एक बड़े हौसले के साथ वर्ल्ड कप के उस फाइनल्स तक पहुंचकर वर्ल्ड कप उठाएगा। इस उम्मीद के साथ ये सीरीज काफी महत्वपूर्ण रहेगी, जिसमें हमने भारतीय ओपनर्स से लेकर मिडिल ऑर्डर और फिनिशर्स से लेकर गेंदबाजों तक के शानदार प्रदर्शन हमने देखे। आज गेंदबाजी की बात करें तो रविचंद्रन अश्विन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। इससे पहले जब भारतीय टीम बैटिंग के लिए उतरी तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुई और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को खूब धोया भारतीय बैट्समैन ने जबरदस्त तरीके से। हालांकि इंदौर के होलकर ग्राउंड पर जो मैच हुआ, पहले रन बरसे, फिर भदरा बरसे और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जीत को तरसे। 2-0 से भारतीय टीम ने ये सीरीज जीत ली है। हालांकि एक मैच और है, अगर टीम इंडिया इस मैच को जीत लेती है तो क्लीन स्वीप ये होगा। दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम ने इतिहास रचते हुए मैच जीत लिया और इंदौर वासियों को एक बड़ी सौगात, भारतवासियों को एक बड़ी सौगात। आपको बता दें कि भारत ने जो पहला वनडे था वो भी बहुत शानदार तरीके से खेल का प्रदर्शन करते हुए जीता था और दूसरे वनडे मैच में भी भारत की शानदार जीत हुई है। 2-0 से सीरीज पर तो कब्जा कर ही लिया है भारतीय टीम ने और उम्मीद है कि अगले मैच में भारत एक और जीत के साथ क्लीन स्वीप कर सातवें से भी ऊपर कोई आसमान अगर होता है तो उस पर सवार होकर वर्ल्ड कप में जाए और पूरे अच्छे बॉडी लैंग्वेज के साथ उस वर्ल्ड कप में अपनी छाप छोड़कर वर्ल्ड कप भारत को दिलाए। 1983 के बाद 2011 और उसके बाद 2023 का वर्ल्ड कप भी भारत में आए, ये उम्मीद हर भारतीय क्रिकेट प्रशंसक की रहेगी। 2-0 से सीरीज पर भारतीय टीम ने कब्जा किया है और बैटिंग ऑर्डर की अगर बात करें तो केएल राहुल बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। शुभमन गिल मानो नया सितारा भारतीय ब्रिगेड में बैटिंग में जुड़ गए हैं। हर मैच में कंसिस्टेंटली वो खेल रहे हैं और अच्छी परफॉर्मेंस उनकी लगातार बनी हुई है और इस परफॉर्मेंस को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि शुभमन गिल आने वाले वक्त में सचिन तेंदुलकर जैसे, विराट कोहली जैसे जो अच्छे स्टाइलिश खिलाड़ी हैं और सभी विधा वो जानते हैं बैटिंग की, उस स्तर पर वो जा रहे हैं। तो 99 रन से भारत ने मैच जीत लिया है और आपको बता दें कि भारत ने सीरीज पर कब्जा कर लिया। हालांकि कुछ एक नाटकीय मोड़ वहां पर जब बारिश हुई उसके बाद कुछ देखने को मिला, जिसमें कि टारगेट कम करके ऑस्ट्रेलिया को दिया गया था। बारिश के बाद भारत ने उसे भी डिफेंड किया और इंदौर के वनडे मैच में भारत ने शानदार जीत दर्ज की। सीरीज पर 2-0 से कब्जा करके एक बार फिर से भारतीय क्रिकेटर्स ने यह दिखा दिया है कि आने वाला वर्ल्ड कप भारत का ही होगा, किसी और टीम की दावेदारी इस पर नहीं चलेगी। हालांकि अभी बहुत सारे ओपोनेंट्स जो हैं वो ताक में हैं कि भारत के साथ उनका मैच हो, मसलन इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जैसी टीम्स जो कि भारत के लिए बड़ी चुनौती अक्सर साबित होती हैं। और इंदौर वनडे में भारत ने शानदार जीत दर्ज कर अपने हौसले को और बुलंद कर लिया है और लगातार इस मैच के दौरान वर्ल्ड कप की भी चर्चा हो रही थी कि अच्छा अभ्यास भारतीय टीम के लिए ये मैच रहेगा। और हालांकि बारिश ने जरूर कुछ खलल डाला था लेकिन शुभमन गिल के उन शुभ इरादों को यहां पर रोक नहीं पाए। तो लगातार इस मैच के बाद इंदौर में उत्साह का माहौल है और जो वहां पर मैच देखने के लिए दर्शक गए थे, मिथिलेश हमारे सहयोगी इंदौर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मिथिलेश के पास चलेंगे। और मिथिलेश, आज का जो ये मैच है इंदौर वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात और इंदौर वासियों का उत्साह देखिए कितना जबरदस्त उत्साह है। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको वो उत्साह दिखाता हूँ, ये जीत के बाद की तस्वीर है और इस वक्त हम होलकर स्टेडियम बाहर मौजूद है और आप ये देख सकते हैं कि ये एक्साइटमेंट है, ये जीत का जश्न मनाया जा रहा है और इंदौर के लोग जैसे मैच खत्म हुआ है बाहर निकलकर सड़कों में नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि आज का दिन काफी खास है क्योंकि भारत ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। कुछ लोगों से बात भी करेंगे, आज का दिन बड़ा खास, भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया एक बड़े स्कोर से। बिल्कुल, आज बहुत बड़े स्कोर से हरा है और जो हमारे इंदौर की शान है, हम यहाँ एक भी वनडे नहीं आ रहे और वो हम आज फिर एक वनडे जीते हैं। शुभमन गिल ने बहुत अच्छी पारी खेली, शानदार, मतलब टाइम से इतना रिकवर करा और पूरा मैच करने में ग्राउंड स्टाफ को थैंक यू सो मच और इंदौर में बहुत शानदार पूरी टीम ने, बहुत मेहनत करी और जो स्कोर बनाया है वो शानदार स्कोर था। साबित कर दिया है कि अश्विन की वापसी बहुत शानदार रही है, उन्होंने दिखाया कि उन्हें वर्ल्ड कप की 15 में होना चाहिए। भारत माता की। बीच
बीच में पानी ने, पानी ने कुछ देर तक मैच को जरूर रोका, फिर एक बार फिर से बड़ा अच्छा मैच देखने को। पानी ने मैच को रोका, मेहनत सारी रंग लाई है। आज रिकॉर्ड तोड़ 399 रन बनाए और 400 रन का टारगेट, दो शतक सभी प्लेयरों की बात की। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, कुछ लोगों से और बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और देखिए इस वक्त मैं भीड़ दिखा रहा हूँ, ये लोग हैं जो मैच देखने निकल रहे हैं। कैसा मैच जय? बहुत बढ़िया रहा यार, खेल राहुल का बहुत ही बढ़िया मैच था, एकदम मजा आया। खेल राहुल का छक्का देख के जैसा जैसी उम्मीद थी वैसे ही मैच हुआ। हाँ, जैसी उम्मीद थी वैसा ही मैच था। मिथिलेश, बहुत ही जबरदस्त उत्साह यहाँ पर जो दर्शक पहुंचे थे, फुल पैसा वसूल मैच भारतीय क्रिकेट टीम ने दिखाया और जमकर ये जबरदस्त जो जीत है उसका उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए किस तरह से नाच रहे हैं सभी जो दर्शक वहां ग्राउंड पर गए थे मैच देखने के लिए, और मिथिलेश को सवाल पूछने का मौका ही नहीं मिल रहा है, इतना उत्साह इतना उल्लास यहाँ पर क्रिकेट प्रशंसकों में। मिथिलेश, क्योंकि वर्ल्ड कप भी है आगे, इंदौर में भी कई मैच प्रस्तावित है, आज का जो मैच था वो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ट्रेलर अभी बाकी है, और आज का जो मैच है जिस तरीके से भारत ने परफॉर्म किया, और देखिए जब हम मैच शुरू होने के पहले अभी मौजूद थे तो इंदौर के क्रिकेट फैंस ने कहा था कि आज 400 रन बनेगा, 350 प्लस बनेगा, और हुआ भी कुछ वैसा ही, 399 रन, यानी 400 का लगभग हम आंकड़ा पहुंचे और जबरदस्त वही किया उन्होंने। सूर्य भाई ने क्या मारा यार, बनने थे आज, हमने सुबह ही बोला था 300 प्लस, तो आज 300 प्लस ही बने आज, और आज इंडिया हमारा विन हुआ। सूर्य कुमार यादव की बैटिंग कैसी, एक नंबर जबरदस्त। और अभी वर्ल्ड कप के मैच प्रस्तावित है, उसके बारे में पूछिए क्या, वो भी मैच देखने के लिए आएंगे सभी दर्शक? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों से वर्ल्ड कप भी होना है और वर्ल्ड कप में भी कुछ मैच इंदौर को मिल सकते हैं, क्या लगता है कि वापस? बिल्कुल सेम यही टीम। इंदौर में मैच का कितना इंतजार करते हैं आप लोग? बहुत ज्यादा, हम तो चाहते हैं कि हर महीने एक मैच हो, हर सीरीज इंदौर में हो। मैच इंदौर को जरूर मिलना चाहिए था, इंदौर वासी इससे बहुत निराश है क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए पहले हमारा नाम अनाउंस हुआ था, आखिरी में वो हटाया गया है, हम इससे बहुत निराश हैं क्योंकि जो वर्ल्ड कप का यहाँ माहौल है ना वो कहीं नहीं हो सकता। जो माहौल यहाँ है वो माहौल कहीं और नजर नहीं आता है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और चलिए हम आपको और तस्वीर दिखाते हैं कुछ, और देखिए इस वक्त मैच खत्म हो चुका है और मैच देख के लोग बाहर निकल रहे हैं, और ये चेहरे की जो खुशी है और ये सेलिब्रेशन तस्वीर हम दिखा रहे हैं, एक्साइटमेंट है, कितना मैच रहा, कितना मजा, बहुत बेहतरीन रहा और मजा आ गया, मतलब इतना मजा आया कि आप बता नहीं सकते। मिस किया, बहुत ज्यादा मिस किया, अरे मजा आ गया, मजा, आनंद सर बहुत मिस कर रहे हैं, सूर्या ने जो छक्के मारे मजा आ गया, सूर्या 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 सूर्या। ये इंदौर वासियों का उल्लास है मिथिलेश, ये इंदौर वासियों का उत्साह है। हालांकि वर्ल्ड कप के जो रिएक्शंस है कि वर्ल्ड कप के मैचेस यहां पर प्रस्तावित थे फिर कैंसिल हुए, और उम्मीद है कि हो सकता है जो आज का उत्साह है उसे देखते हुए यहां पर जरूर इस होलकर ग्राउंड पर क्रिकेट का वर्ल्ड कप का कोई ना कोई मैच जरूर हो, और यहां जो रिएक्शंस लोगों के आ रहे हैं वाकई उत्साहजनक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे उत्साह इस उल्लास को हमारे अन्य दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बढ़ते आगे और रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का भी, और बढ़ते आगे कांग्रेस से एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सनातन धर्म के विरोध में जो विवादित बयान देने वाले नेता हैं उन्हें नेताओं को रावण का वंशज कहा। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को गाली देने वाले सेक्युलर नहीं हो सकते, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना ही चाहिए और सनातन को गाली देना धर्म निरपेक्षता नहीं। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि सनातन के बिना भारत की कल्पना नहीं हो सकती, दुनिया को विश्व बंधुत्व वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाला देश भारत ही है। उन्होंने कहा कि सनातन था है और हमेशा रहेगा। सनातन को गाली देने का नाम सेक्युलरिज्म नहीं है, सनातन को गाली देने का नाम धर्मनिरपेक्षता नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और जो लोग सनातन को गाली दे रहे हैं
सनातन के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। भारत वो भूमि है जहाँ से विश्व बंधुत्व वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिना का उद्घोष हुआ है, यही सनातन है। तो ऐसे सनातन को, जो सनातन प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करता है, उस सनातन को अगर कोई गाली देता है तो रावण का वंशज नहीं तो और क्या है। मुझे लगता है कि सनातन को गाली देने वाले ये लोग राक्षस लोग हैं, इनका बहिष्कार होना चाहिए। ये सब कुछ आसुरी प्रवृत्तियाँ, आसुरी प्रवृत्तियों के लोग हैं, ये सब राक्षस लोग हैं जो विचरण करते रहते हैं। सनातन को मिटाने की कोशिशें हजारों साल पहले भी हुई, सनातन नहीं मिटा। सनातन को मिटाने की कोशिश आज भी हो रही है, सनातन नहीं मिटेगा। सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा। तो स्पष्ट जवाब आचार्य प्रमोद कृष्णम का, कांग्रेस नेता, जिनका कहना कि सनातन का विरोध करने वाले मिट जाएंगे लेकिन सनातन को कोई नहीं मिटा सकता। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ।